अरे मोबाइल में छिचोरे चाले कर रहे क्या रे बेटा? चलो ना मेरे पास में, जरा स्कूल में पढ़ाई कर लो, क्या मोबाइल में मिलने वाला है तुमको। अब फिर आ गए यार ये मास्टर साहब उपकाने वास्ते, जा हम नहीं पढ़ रहे। क्या रे बेटा? अरे आटू। अरे सुन तो। अरे आटू। मास्टर साहब ये क्या कर रहे तू? अरे बेटा मैं तेको तेरी जबान में समझा रहा। ये कुत्ती जबान है। ओ लाज़ बंद करो। क्या कह रहे तू? अरे बेटा चलो मेरे साथ में जरा स्कूल भी पढ़ लो, क्या काम आने वाला है तुम्हारे ये मोबाइल। अरे ये ऊपर है क्या हमारे पढ़ने की? चलते इंसान को पकड़ के बोलते चलो स्कूल पढ़ लो। अरे नौकरी से रिटायर हो गए ले तू, फिर भी तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कीड़े जा नहीं रहा। अरे घर को बैठो तू। अरे रिटायर किसको बोल रहे तू? अरे तेरे बच्चों को भी पढ़ाऊंगा मैं। ठहर जा बेटा, तुम्हारे माँ बाप कुछ बोलता मैं। चल हट। अबे वीडियो बनाने का मूड खराब कर दिए। आए क्या पिंटा का बाप? बाप नहीं है, पिंटा खुद है। क्या बोल रहे मास्टर साहब? अरे बेटा मैं क्या बोल रहा, जरा पढ़ लो मेरे पास। अरे वो कैसा है ना मास्टर साहब, तुम्हारी जो स्कूल है ना बहुत दूर है, तो वहाँ जाने जाते रिक्शा का किराया तो होना ना। अरे मैं दे रहा ना तेको किराए के पैसे, ये ले और जल्दी से स्कूल में आ। हाँ तुम पहुँचो मब्या। अरे आए क्या छोटू के बावा? कौन है? अरे मास्टर साहब तुम घर तक क्यों आ गए? आए क्या तेरे बावा घर में? अरे बावा को छोड़ो बेटे से लिपटो, क्या कह रहे तुम? अरे बेटा वही जो हमेशा कहता, जरा पढ़ लो मेरे पास। कैसे पढ़ाने का कीड़ा इनको? अगर बेटा मेरी स्कूल दूर पड़ती तो किराए के पैसे दे देता मैं तुमको। ना 200 रुपए। यहाँ से मेरी स्कूल का किराया खाली 100 रुपए लगता। अरे छुट्टी होने के बाद मेरे घर पे वापिस आना पड़ेगा ना, कि तुम्हारे घर पे लेके चल जाते मेरे को। हाँ बराबर बोला। ये ले। ये ले 200 रुपए। आ भाई स्कूल में। अरे तुम पहुँचो तुम्हारे पीछे आ रहा मैं। ओके। ए ला मास्टर पेंशन के पैसे बांटते फिर रहा। मेरी तो लाइन हो गई। कहाँ है? आए नहीं पो रहे अभी तक। आ गए आ गए आ गए। अरे उधर कहाँ जा रहे परोहन? स्कूल यहाँ है। अरे मास्टर साहब हम स्कूल में थोड़ी आ रहे थे, अब तो पिक्चर देखने जा रहे थे। पिक्चर में जा रहे? वो जो तुमने किराया दिए थे ना स्कूल आने के वास्ते, वही पैसे से हम पिक्चर देखने जा रहे। इनको इनके तरीके से ही पढ़ाना पड़ेगा। इनकी कमजोरी समझ में आ गई मेरे को, इनको पढ़ाने के वास्ते एक छम्मक छल्लो लाना पड़ेगा। जब पढ़ेंगे वो कहा है वो रिया देखी मुझसे सीधे बजे हाथ से ताली पिक्चर बहुत भारी थी अबा, बहुत मजा आया। खूब इंजॉय कर रहे हैं बाबू ने। कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओने 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 ओने। गांव में नवे दिख रहे तू? कहाँ से आए? अरे इस गांव के जो मास्टर जी है ना, उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया है, मैं स्कूल टीचर हूँ। टीचर है तू? बच्चों को पढ़ाने? हाँ इस गांव के जो मास्टर जी है ना, उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया है। ए, सुनो रे अपने गांव में नवी टीचर आ गए। व्हाट द दैट शॉट। हाय मैडम हमको पढ़ाएंगे ना तू? छी मैं बच्चों की टीचर हूँ, तेरे जैसे टकले को नहीं पढ़ाती। अरे मैडम हम वही बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाने के वास्ते मास्टर जी ने तुमको बुलाया। ये ऐसे
इनको पढ़ाना पड़ेगा मुझे। ओ मैडम मेरा नाम लिखो तो। नहीं मैडम मेरा नाम लिखो। उधर जा। मेरा लिखो ना। नहीं मैडम ये सब डंगरे लोग हैं। मैं बच्चा दिखा रहा तो पहले मेरा नाम लिखो। चलो क्लास में। हाँ चलो। हाँ तो बच्चों आज हमारा पहला दिन है ना, इसीलिए हम पढ़ाई नहीं करेंगे। अरे वो तो भाई भी बोल रहा ना मैडम, अपन पढ़ाई नहीं करते रोमांस करेंगे। क्या बोलते तुम लोग? बैठो नीचे, मोहब्बत के लायक नहीं हो तुम लोग। बेटा मन में लड्डू फूटा। ए पोरी मेरा भी एडमिशन होगा क्या? मेरे को भी पढ़ने का है स्कूल। अरे अंकल तुम्हारी एज देखो, मैं बूढ़े लोगों को नहीं पढ़ाती। जाओ घर पे जाके आराम करो। चल हट। यू उठो। ए फोन बोलो। ए फोन आप मुझे अच्छे लगते हो। मुझे अच्छे लगे। कैसे जंगली लोगों को पढ़ाने भेज दिया मुझे? ए चिरकुट यार अब तेको देख क्या बोल रही हो? अरे मैं को नहीं तेको बोल रही हूँ। मैं को चिरकुट बोल रही। तुम बताओ बी फोर बी फोर बेबी को बेस पसंद ना। हाय दया। ओह माय गॉड पूरी मेरे को भी बेस पसंद है, मेरे को भी पढ़ाना है स्कूल। अरे नाना तुम मेरा घर पे जाके नानी का बेस सुनो। चल घर पे चल हट। बेबी के बच्चे चल फिर से तू खड़ा। हाँ बोलो मैडम। बता बाबर कब मरा था? अरे मरा का अभी जिंदा है ना वो। अरे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कप्तानी कर रहा वो। अरे उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। समझ जाओ मैडम अभी जो बना रहा है। देख रही मैडम क्या पूछ रहे, कब मरा तेरा बाप? मेरा बाप बोला। अरे मेरा बाप कब मरा? अरे मेरी बात तो सुन। अरे तू बोलो। अरे मेरा बाप। अरे तू बोला। अरे मारती जा रहा तू। आप माना मत है और मेरी बात सुन। मेरा बाप मरा नहीं जिंदा है। और कैरिका में सवाल पूछ रही हो तू? तेरे बाप का नाम बाबर नहीं है? नहीं मेरे बाप का नाम महाराणा प्रताप है। सॉरी अब मेरे को लगा तेरे बाप का नाम बाबर है। जा निकल जल्दी जल्दी। अब जीव आदमी है यार, खड़े खड़े बाप बदल दिया। मैडम बाबर लिया गया। अब तू बैठ या सो जा, मैं अब तुम लोग को नहीं पढ़ाने वाली। ऐसा मत करो ना। तुम काय को जा रहे? नहीं अरे ऐसा मत करो मैडम, हम पे जुलुम मत करो, हमको छोड़ के मत जाओ। ठीक है बेटा, एक शर्त पर ही तुम लोग को मैं पढ़ाऊंगी। कौन सी शर्त मैडम? शर्त ये है आप सभी लोगों को मुझे पूरे साल की फीस 10,000 रुपए अभी के अभी देने पड़ेंगे। अरे 10,000 की क्या बात कर रहे मैडम, मैं तुमको 15,000 दूंगा। मेरे ट्यूशन अलग से पढ़ा देना। मैडम हम अब भी लेके आते हैं पैसे। मैं पेटीएम कर देता। मैं जीप मार देता। मैं मुंह पे मार देता। ए छोटू के बच्चे पागल है क्या? दे इधर। ए पोरी मैंने भी गल्ले में पैसे जमा करा, मेरे को भी पढ़ाना भाई। यार बुड्ढों को नहीं पढ़ाती मैं, चलो जाओ। चल हट। मैडम ये लो पैसे। ये लो मैडम मेरे पैसे। टकली जाके बैठ। हाँ तो बच्चों हम पढ़ाई शुरू करते हैं ठीक है? तू है क्या ये स्कूल की टीचर?
हाँ क्यों, क्या हुआ? मैडम ये मेरे बाबा है, शिकायत लेके आए तुम्हारे पास। अरे हाँ बोलो, क्या कंप्लेन तुम्हारी? फीस के वास्ते 10,000 रुपए मंगाए है क्या तूने? ठीक है, अच्छा पढ़ाना, बामटे चाले करता वो, इससे बोलने को आया। इसके बाबा स्कूल तक चल गए, मैं भी मेरे बाबा को बुला के लाया था। मैंने भी मेरे बाबा को लेके आया। क्यों? क्या नाम है बेटा तेरा? मेरा नाम रिया है। स्कूल कहाँ तक पढ़ी हो? मैं डियर पास हूँ। और खाना बनाना तो आता होगा ना तुझे? हाँ खाना बनाने आता है, लेकिन क्यों? पकाते भी आते हैं। कपड़े धोने भी आते हो ना तुझे? अरे हाँ बाबा, मुझे सब करने आता है, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हो? घर संभालना आता ना तुझे? घर भी संभाल लेती है। बच्चे बच्चे भी संभाल लेती हो ना? मेरे बच्चे भी संभाल। फिलहाल तुम अपनी जबान संभालो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? वैसे है ना, ये मेरा पोरिया छोटू तुमसे शादी करने का बोलता, इसलिए उसने मुझे लड़की निकालने लाया। अरे क्या रे छोटू के बच्चे, क्या है ये सब? अरे मैडम, इसके बाबा शिकायत लेके आए थे, तुमने सोचा मैं भी रिश्ता लेके आ जाता। इससे मैंने मेरे बाबा को लेके आया। शट अप, बैठो नीचे। ओह माय गॉड, और क्या रे ठड़की बेटे की ठड़की बात, मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ या शादी की बात करने आई हूँ? निकल छोटू के बच्चे। ये पेपर मैं बांट रही हूँ, सारे आंसर्स याद करो, ठीक है? ये लो। फटाफट से याद करो। हाँ अच्छी से याद हो रहे ना पेपर? मैडम क्या हुआ, जैसे कैसे हो गई? अरे मैडम कहाँ चल गई? अरे दे दे दे, फिर वही पागल मास्टर आ गया ना अपने नसीबों में। बेटा वो मैडम का काम यहीं तक था। वो मैडम को जो तुमने 10,000 रुपए फीस दिए थे ना, अब वो मेरे पास है। नो, वो मैडम की छुट्टी हो गई, अब साल भर तुमको फिर से ही पढ़ना पड़ेगा। हाय गाइस, अगर आपको छोटू की देसी स्कूल वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल छोटू की मस्ती को